देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हैदराबाद में एक महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। अपराधियों को फांसी दो, संसद मार्ग थाने पर विरोध की आवाज उठी, लेकिन इस आवाज को भी दबाने की भरपूर कोशिश की गई। महिलाओं के साथ पुलिस का ये सलूक चौंकाने वाला है। मैं रेप केसेस सुन सुन के थक गई हूँ। अच्छा। इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो आप किससे सवाल करना चाहती हैं? गवर्नमेंट। अब मैं अपनी सेफ्टी पूछना चाहती हूँ, मेरी सेफ्टी क्या है। अनु दुबे जो एक कामकाजी महिला हैं, जिनका सवाल बस इतना था कि देश की बेटियों को सुरक्षा कौन देगा, लेकिन उनका ये सवाल भी पुलिस को नागवार गुजरा। क्यों लोग इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें गंदा लगता है इंडियन डॉटर्स होना, क्यों? मुझे इसका आंसर चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट रेप केसेस, इट्स अबाउट मोर। दिल्ली में ही नहीं, हैदराबाद के उस शादनगर थाने के बाहर भी पुलिस का जोर उन लोगों पर चला जो महिला वेटनरी डॉक्टर से दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। हैदराबाद में जगह जगह पर दिल दहला देने वाली दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन हो रही हैं। ये प्रदर्शन पुलिस की नाकामी और नाकामी पर बेतुके बयान का पर्दा डालने वाले मंत्री के खिलाफ है। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़े लिखे होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है, इसमें अवेयरनेस बिल्टअप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विद इन 3-4 मिनट्स में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। हो सकता है बहरहाल बोलते ना, वक्त ख़राब रहा तो इंसान बाज़ वक़्त सोच जो है अपने सिस्टर से बात कर रहे हूँ और तकरीबन 30 मिनट के बाद उनका फ़ोन, 40 मिनट के बाद फ़ोन ऑफ हुआ। तो उसी दरमियान में अगर एक आध फ़ोन 100 पर कर देते तो यकीनन पुलिस अलर्ट हो जाती थी, पहुँच जाती थी। उसके लिए हम कुछ जिस तरह हो सके आगे ऐसे केसेस ना होने के लिए जो प्रिकॉशन लेना है ज़रूर लिया जाएगा। मंत्री जी उसी पुलिस को लोगों का दोस्त बता रही हैं जिसने पीड़िता के परिवार वालों को कहा था आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। अब महिला आयोग ने नोटिस जारी कर उसकी खबर ली है, लेकिन इन सब बातों से न तो एक परिवार को उसकी बेटी सही सलामत मिलेगी, न उसके साथ हुई दरिंदगी की खौफनाक यादें मिटेंगी। अब 3 बजे के साहब मेरे को 2 आदमी दे वो कांस्टेबल, मैं जाकर ढूंढ ले तुम बोला तो 3 बजे एक फिर इस पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल जाकर देखे तो हमारा कुछ नहीं मिला, हमारा पापा चले गए। पुलिस इमिडिएटली वो 10 लोगों को उधर सर्च कर रहे तो मिलता था, उन लोग ही बोल रहे हैं उस बाजू में ऐसा हो गया है, जहाँ मिस हो गया है उधर ही बाजू में वो ऐसा हो गया करके, फिर पुलिस का फेलूर है पूरा। भारी लापरवाही के बाद पुलिस की नींद खुली और उसने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैवानियत की जो कहानी सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देती है। कैसे स्कूटी की हवा निकाल कर मदद के बहाने दरिंदे पीड़िता को सुनसान जगह तक ले गए, कैसे उसकी चीख को दबाने के लिए उसका दम घोट दिया गया, कैसे उसकी चीख को दबाने के लिए उसका दम घोट दिया और कैसे पकड़े जाने से बचने के लिए उसके शव को जला दिया, ऐसी बातों ने एक बार फिर एक बीमार समाज, गैर जिम्मेदार पुलिस और तुरंत कठोर सजा देने में लाचार कानून के मुद्दों को सामने ला दिया है। हैदराबाद में आशीष पांडे के साथ पुनित शर्मा, दिल्ली आज तक।